नमस्कार, सिविल स्टाफ के इस मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इतिहास से संबंधित, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे फॉर द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, या वीक फोर्थ जो है अगस्त का, इसके करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास में बहुत सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर किए हैं जो पीछे अखबारों में सुर्खियों में रहे। और ये जो सोर्सेज मैंने हम बताते ही हैं हर बार, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, PRS, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ योजना, लाइवमिंट, PIB और कुरुक्षेत्र, इन सभी से हम अपना इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और एक आध सोर्सेज कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं तो उनसे भी हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। ठीक है, तो हम जो है एक बात ध्यान रखिए कि ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट साबित होंगी, क्योंकि आपने देखा है जैसा ट्रेंड रहा है पीछे UPSC जिस तरीके के सवाल पूछता है ना, उसी बिल्कुल तरीके के सवाल हमने बनाए हैं। और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये जो भी आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे समझ नहीं पाते इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट अफेयर्स किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में खासतौर पर। तो हमने उसके लिए आपके लिए लाइफ आसान कर दी है, आप बस इन सेशंस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। एक बात और, अगर आपको कोई भी PDF, PPT कुछ भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं यहां पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जो है वो ये है कि रिसेंटली फोक डांस जो है उसे नॉमिनेट किया गया यूनेस्को इनटेंजिबल हेरिटेज में, तो उससे जुड़ी हुई कुछ जो स्टेटमेंट्स है जो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट से जुड़ी हुई है उसके बारे में थोड़े से इन स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि डांडिया डांडिया हैज बीन नॉमिनेटेड टू यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि डांडिया एक डांस है भारत का जिसे इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। दूसरा, यूनेस्को है सॉरी रामलीला हैज बीन एडेड टू यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम इंडिया, तो इसको एड किया जा चुका है रामलीला को। तीसरा, संस्कीर्तन रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांस ऑफ सिक्किम, ये भी जो है इस लिस्ट में शामिल है, मतलब इज ऑल्सो इन दिस लिस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, या टू एंड थ्री ओनली, या कोई भी उत्तर इसमें से, कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए, टू ओनली इज करेक्ट। अब कैसे टू ओनली इज करेक्ट, पहले तो मैं आपको सोर्स दिखा देता हूं। ये देखिए न्यूज ऑन एयर पे ये न्यूज है कि इंडिया ने गरबा गरबा को नॉमिनेट किया है टू इंस्क्राइब ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, तो उसमें शामिल करने के लिए गरबा को चुना गया, दांडिया को नहीं। हमने जो ऑप्शन में दिया दांडिया, दांडिया को नहीं चुना गया, गरबा। कई लोग जो इसको सिनोनिमस समझ लेते हैं, अलग अलग डांसेस हैं, ये थोड़े थोड़े डिफर करते हैं, कई परंपराएं उसमें अलग हैं, तो इसीलिए समझ लीजिएगा कि ये अलग चीजें हैं। ठीक है, तो दांडिया नहीं, गरबा को शामिल किया गया है, गुजरात का ही डांस है। और गरबा है क्या, गरबा देखो, गरबा संस्कृत शब्द गर्भ से निकला है। ठीक है, इसका एक तरीके से ना ये कस्टमरी डांस है, ये बेसिकली विमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके बाद जो है जो एक एक जो लड़की का विवाह जो किया जाता था उसको एक तरीके से दर्शाता है, क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ही लड़की का विवाह किया जाता था। ठीक है, तो उसको दिखाता है गरबा, और उसको एक एक सेलिब्रेशन के जरिए जो है वो हमारे देश में मनाया जाता है, या एक एक ऐसा सेलिब्रेशन होता है जिसके बाद। अब ये ना ये डांस जो है ना ये फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, तो ये फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सिग्निफिकेंस यही है। ठीक है, और मदर गॉडेस और विमेनहुड को ओनर करना जो है बेसिकली इस डांस का एक जो है वो इस डांस को इसीलिए किया जाता है ताकि विमेनहुड को सेलिब्रेट किया जा सके और मदर गॉडेस की जो इंपॉर्टेंस है उसे समझा जा सके। ठीक है, अब जैसे इसमें आगे एक पॉइंट था कि रामलीला, हाँ, जो 14 चीजें अब तक 2008 से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई हैं भारत से,
उसमें रामलीला भी एक है, ठीक है। रामलीला जो एक तरीके से राम रामायण के ऊपर बेस्ड परफॉर्मेंसेस होती हैं वो इसमें शामिल है। संस्कृत थिएटर कुडियट्टम शामिल है, मुदियत शामिल है, ये दोनों केरला की थिएट्रिकल फॉर्म्स है, ये इसमें शामिल है। वैदिक मंत्रास भी भारत से इसमें जगह पाई हुई है उन्होंने भी। उसके अलावा रम्मा एक रिचुअल थिएटर है गढ़वाल उत्तराखंड का, कालबेलिया डांस राजस्थान का, छाऊ डांस उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का, मास्क लगा के डांस करते हैं, बुद्धिस्ट चैंटिंग ये भी इसमें शामिल है, संस्कीर्तन मणिपुर का एक डांस है, ठीक है, इसको भी शामिल किया हुआ है, रिचुअल सिंगिंग और ड्रमिंग ट्रेडिशन है ये तो ठीक है, लेकिन ये सिक्किम से ताल्लुक नहीं रखता है, मणिपुर से रखता है, हमने वहां पे सिक्किम डाला था आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और एक और है ठठेरा संस्कृति जिसमें ब्रास और कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं, योगा, उसके अलावा नवरोज, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा, अब तक ये सब शामिल है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भारत से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसी वजह से सिर्फ इसमें एक ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही हुई, वो कौन सी, ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट, ठीक है, इसीलिए आंसर आ गया आपका टू ओनली इज करेक्ट, ठीक है जी। चलें आगे आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका दूसरा सवाल, हम दूसरे सवाल पे आते हैं, और इस दूसरे सवाल में क्या है, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को, मतलब ये जो यूनेस्को के द्वारा जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो इश्यू की गई है उससे संबंधित ये सवाल है कि अब देखो ये की जाती है जो हर साल जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी हुई लिस्ट, इसके ऊपर सवाल है। पहला स्टेटमेंट इज वाज इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2008 आफ्टर कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज विच 2003 एंड मतलब 2003 का ये कन्वेंशन था जो 2008 में अमल में आया और एस्टेब्लिश किया गया उसके तहत, ठीक है। और उसके बाद इट कंपाइल्स टू लिस्ट, दो लिस्ट है इसमें, एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की और दूसरी एक लिस्ट है लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट प्रोटेक्शन। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है। तो वन एंड टू इज करेक्ट, दोनों करेक्ट है, वन ओनली इज करेक्ट, टू ओनली इज करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है आपका, आंसर है ए। तो यहां पे मुझे लगता है आपका आंसर दिख नहीं रहा लेकिन पर चलो मैं बता देता हूं, आंसर है ए, वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब वन एंड टू दोनों इसमें सही है। अब देखो यहां पे क्या है कि यूनेस्को जो है उसने ये इनटेंजिबल हेरिटेज एलिमेंट्स को एक तरीके से, ये जो ऐसी चीजें हैं जो हमारी धरोहरें हैं जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे इतिहास से जुड़ी हुई, हमारी कला संस्कृति से जुड़ी, दुनिया भर की कला और संस्कृति, ऐसी चीजें जिनके खो जाने का खतरा है, जो छू ही नहीं जा सकती लेकिन हमारी परंपराओं में शामिल है। तो ऐसी चीजों को के ऊपर एक कन्वेंशन जो है वो हुआ था 2003 में, उसके आधार पे 2008 में ये एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें ऐसी चीजों को डाला जाता है जो अभी जो दर्शाती है कि एक लिस्ट है उसमें जिसमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को रखा जाता है और दूसरी लिस्ट में रखा जाता है ऐसी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को जिसके हो जाने का खतरा है, जो एक तरीके से जिसको अभी अर्जेंट प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो दो लिस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो इसीलिए जो हमारा सवाल है इसका आंसर वन एंड टू दोनों ही सही है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, देखिए चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। कंसीडर दिस स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब ये भारत के इतिहास से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स है, कोई न्यूज थी चर्चा में वहीं से हमने जो है वो एक कह लीजिए एक रेफरेंस लिया और उसके आधार पे सवाल जो आपके सामने रखा है। मद्रास वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1739 व्हेन ब्रिटिश ऑफिसर फ्रांसिस डे ऑब्टेन्ड इट एज अ ग्रांट, ठीक है। तो मद्रास की स्थापना 1739 में हुई थी जब अंग्रेजों ने इसे एक ग्रांट की तरह हासिल किया, ठीक है। और दूसरा एक्चुअली और फिर इन 1746 फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड मद्रास वर एनेक्स्ड बाय फ्रेंच एंड दे रिटर्न्ड इट आफ्टर 1763, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है देखो ऑप्शन देख लो एक बार, वन एंड टू आर करेक्ट,
वन ओनली इज करेक्ट, टू ओनली इज करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर है डी। डी इसमें सही उत्तर है, ध्यान रखना डी इसमें सही उत्तर है। क्यों मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर ये देखिए, देखो इसका आंसर है ये, 1639 में फ्रांसिस डे नाम के व्यक्ति ने मद्रास को लीज पे लिया था राजा ऑफ चंद्रगिरी से, यहीं से इसकी नींव पड़ी थी। 22 अगस्त का जो दिन है, उस दिन बेसिकली उन्हें एक ग्रांट मिली थी लोकल नायक दामरला वेंकटदरी नायक से और उनके छोटे भाई अय्यप्पा नायक से, इन दोनों से उनको एक ग्रांट मिली थी, उसके तहत उन्होंने कुछ जमीन अक्वायर की थी, उसी पर फिर मद्रास शहर बसाया गया। ठीक है, तो मद्रास 1639 में बनाया, हमारे यहाँ सवाल में जो है ये 1739 दिया, तो इसी वजह से ये गलत है। ठीक है, और दूसरा 1746 में सेंट जॉर्ज जो है और मद्रास, इन दोनों को अंग्रेजों ने कब्जा लिया था, लेकिन दे रिटर्न्ड इट आफ्टर 1763। ठीक है, इट टू ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजों को वापस कर दिया था आफ्टर 1763, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों क्यों गलत है ये देखो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे कब्जाया तो था, चलो यहां पे है नहीं वो, लेकिन उन्होंने इसको वापस कर दिया था 1749 में अंग्रेजों, अंग्रेजों की ये बसाई हुई शहर, बसाया हुआ शहर था, 1749 में उसको वापस कर दिया था आफ्टर ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल इन 1748। तो ध्यान रखना कार्नेटिक वॉर हुई थी 1740 से 1748 के बीच में, और उसका खात्मा हुआ था एक ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल से। इस वॉर के दौरान 1746 में फ्रेंच ने अंग्रेजों पे हमला करके मद्रास शहर उनसे छीन लिया था, बाद में उन्होंने उनको वापस किया 1749 में आफ्टर द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, जो यूरोप में हुई एक संधि थी। ठीक है, 22 अगस्त, अब न्यूज क्या थी, ये न्यूज थी द हिंदू में कि अगस्त 22 को मद्रास डे के नाम से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, या मद्रास डे इस दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन जो है फ्रांसिस डे नाम के व्यक्ति ने जो है ये लोकल नायक जो थे इनसे वो जमीन हासिल की थी, जिसपे मद्रास शहर बाद में बसा। चलो आगे चलते हैं, ये देखो सवाल, ये सवाल क्या है, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स एंड आंसर अकॉर्डिंगली। ये स्टेटमेंट्स पर आपको ध्यान देना है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि दही हांडी गेट्स अ एडवेंचर स्पोर्ट्स टैग इन महाराष्ट्र, तो दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स टैग मिला है महाराष्ट्र में। और इसके तहत दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि गोविंदा विल गेट एन इंश्योरेंस इन केस ऑफ डेथ ग्रीवियस इंजरी एंड इन केस ऑफ ब्रोकन लिम्स विद कंपनसेशन ऑफ 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख इन रिस्पेक्टिव केसेस। मतलब कि इतना कंपनसेशन दिया जाएगा गोविंदा, वो जो दही हांडी जो फोड़ते हैं ना, वो जो लड़के जो पिरामिड बनाते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, तो उनको इतना कंपनसेशन दिया जाएगा। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, इसको काट देते हैं, और 1 and 2 ओनली इज करेक्ट, 1 only इज करेक्ट, या 2 only इज करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो इसमें सही उत्तर है बी, बी यानी 1 only इज करेक्ट। एक बात तो सही है इस न्यूज के हिसाब से कि दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र में। और यहां पे देखो, यहां पे अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने कि 10 लाख का कॉम्पनसेशन मिलेगा गोविंदास को जो पिरामिड बनाते हैं इन केस ऑफ डेथ, 7.5 लाख का कॉम्पनसेशन ग्रीवियस इंजरी के केस में, और 5 लाख का कॉम्पनसेशन ब्रोकन लिम्स, अगर हाथ पैर टूट जाए तो उस केस में। ठीक है, तो यहां पे जो दिया हुआ है वो 5 लाख 3 लाख 2 लाख दिया, भैया ये गलत है, उन्होंने 10, 7.5 और 5 लाख का कॉम्पनसेशन किया। यहां पे होना चाहिए था 10, यहां पे 7.5 और यहां पे 5 लाख का कॉम्पनसेशन डेथ ग्रीवियस इंजरी एंड ब्रोकन लिम्स के जो केसेस। ठीक है, तो ध्यान रखना ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ न्यूज है, इसको ध्यान से पढ़ना, ऐसी न्यूज आइटम्स को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसमें की गई सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट इनिशिएटिव्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अगला सवाल, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग ठाकुर लॉन्च आजादी क्वेस्ट, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। पहली स्टेटमेंट कहती है आजादी क्वेस्ट इज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज टू बी रिलीज इन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री है। आजादी क्वेस्ट इज अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स बेस्ड ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल।
है। तो और तीसरा है इनिशिएटिव इज इंस्पायर्ड बाय पीएम्स कॉल टू एंगेज एंटरटेन एंड एजुकेट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। वन टू एंड थ्री ऑल आर करेक्ट, वन ओनली इज करेक्ट, या टू एंड थ्री आर करेक्ट। तो उत्तर देखते हैं हम, उत्तर है सी। सी इसमें सही है, यानी ये वाला आपका सही उत्तर है। सी कैसे सही है? पहली स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, बाकी दोनों सही हैं। देखो कैसे, पीआईबी से हमने ये सोर्स उठाया, इसमें लिखा है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक आजादी क्वेस्ट, एक सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम शुरू किया है जो भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है। ये इनिशिएटिव जो है, अगली लाइन में लिखा है प्राइम मिनिस्टर की कॉल जो थी एंगेज एंटरटेन और एजुकेट, उस लाइन्स पे इसको शुरू किया गया है। टॉयज और गेम्स जो है ना, उसके जरिए ये सारा एंगेजमेंट एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का प्रोग्राम जो है, जो चलाने का जो एक प्रधानमंत्री का सपना है, उसके तहत इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो टू एंड थ्री इसमें सही है, पहला गलत है। ये कोई डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं। ठीक है जी, चलो ये देखो, ये कुछ ऐसी ये गेम्स हैं जो आजादी क्वेस्ट में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए लोगों के बारे में जो ऐसे सवाल पूछेंगी, और एंटरटेनिंग तरीके से वो सवाल पूछे जाएंगे विद कार्टून्स इमेजेस, ताकि बच्चे जान पाए कि भारत में क्या जो है वो स्ट्रगल था हमारे रेवोल्यूशनरीज का, कैसे उन्होंने बलिदान दिया एक अच्छे तरीके से। ठीक है, ज्यादातर क्योंकि बच्चे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कदम उठाया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली पीएम पेड ट्रिब्यूट टू पीएम ऑफ इंडिया, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी, कंसीडर द बिलो गिवन रिलेटेड स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दैट बिगन इन वॉज कहें, या तो इज ना कह के वॉज कहें, वॉज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दैट बिगन इन 1987 फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवाइज इन पीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ 1986 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इन 1985 इंडियाज गवर्नमेंट लेड बाय राजीव गांधी प्रपोज द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूडेड एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज फाउंड इन द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें क्या दिया है कि पहले तो एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बताया है, जो रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पर था, जिस जो एक प्रोग्राम था 1987 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1986 में जो नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन लाई थी उसमें रिवीजन करता था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार जो थी वो 52nd अमेंडमेंट लाई थी संविधान का, जिसके तहत एंटी डिफेक्शन जोड़ा गया था 10वें शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। वन एंड टू आर करेक्ट, वन ओनली इज करेक्ट, टू ओनली इज करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आंसर है ए, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कैसे, ये देखो ये कैसे आया, सिर्फ हमने इसको रेफरेंस भर उठाया है पीआईबी से। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राजीव गांधी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर जो है शुभ का एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट पे किया, और उन्होंने एक ट्वीट किया था 20 अगस्त 2022 को, और फिर राजीव गांधी जी से जुड़ी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमने ये बना उठाया कि 1985 में के उस समय की राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उसने 52वां संशोधन किया था संविधान में, और उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया था 1985 में, और जिसे हमारे संविधान के 10वें शेड्यूल की तरह शामिल किया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जो 1987 में शुरू हुआ, और उसके और क्योंकि पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1986 में एक नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन शुरू की थी, उसमें कुछ रिवीजन जो है वो करके करता था ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थी, तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वन एंड टू बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, सातवां सवाल। कंसीडर द बिलो गिवन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह, रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई इन स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। पहली स्टेटमेंट है गांधी जी गेव वॉइसेस टू पीजेंट्स इन दिस मूवमेंट, इसमें गांधी जी ने किसानों को आवाज दी थी। सेकंड, दिस इवेंट गेव अस विजुअल कैपेबिलिटी टू नो द कंडीशंस ऑफ इंडिगो फील्ड्स, ये इंडिगो फील्ड्स में क्या हो रहा था उसके लिए एक विजुअल कैपेबिलिटी हमें प्रदान की इस इवेंट ने। दिस इवेंट टुक प्लेस
ओनली अ कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और ये इवेंट बस 2 साल बाद हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंत के बाद। चलिए, इतिहास से जुड़ा हुआ ये सवाल है तो हमें इसको इतिहास की समझ से ही सॉल्व करना होगा। करंट अफेयर में कैसे इसका लिंक बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आंसर, आंसर है बी, मतलब 3 ओनली इज। अब देखो इसमें पूछा था नॉट करेक्ट, एक बात ध्यान रखना, इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में सिर्फ 3 ओनली इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, नॉट करेक्ट कौन सा है? सिर्फ ये। अब वो कैसे, देखो पहले तो ये आर्टिकल द हिंदू में ये आर्टिकल जो है वो छपा था, और ये किस, ये आर्टिकल है, देखो एक हिस्टोरियन है शाहीन अमीन, जिनकी ये तस्वीर है शाहीन अमीन, ये साहब ठीक है, ये है शाहीन अमीन, इतिहासकार है बहुत चर्चित। इन्होंने जो है ये अपना एक ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक लेक्चर दिया ठीक है, जिसमें गांधी और पीजेंट्स इनका टॉपिक था, अ री लुक एट चंपारण 1917 के चंपारण प्रकरण पे इन्होंने बात की थी, जिसमें इन्होंने ये 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 टाइटल देख सकता, गांधी गांधीज वर्क गेव वॉइस टू पीजेंट्स, गांधी जी ने ही उस समय जो इस चंपारण सत्याग्रह में पहुंचकर मजदूरों की मजदूर ना कहें किसान, पीजेंट मतलब किसानों की आवाज को जो है वो लोगों तक पहुंचाया था, या उनकी आवाज बने थे गांधी जी ठीक है। और यहां पर ही, और इसमें से दूसरा जो है पॉइंट वो ये था कि इंडिगो फील्ड्स, इंडिगो फील्ड्स के बारे में बताते हैं। अब यही इन्होंने ये भी कहा है कि भाई इंडिगो फील्ड्स जो थी, जो जहां पे नील की खेती होती, चंपारण जो सत्याग्रह है वो जुड़ा हुआ है नील की खेती से, जहां तीन काठी सिस्टम लागू किया गया था, तीन काठी में अंग्रेज जो ठेकेदार थे उन्होंने जमीनें जो है वो जमींदारों से ले ली थी, और जब वो खेती ठेकेदार जो है वो खुद खेती करवाते थे किसानों से, जमींदार खेती नहीं करवाते थे, उनके बिहाफ पे ठेकेदार खेती कराते थे। वो यूरोपियन ठेकेदारों ने एक नियम बना रखा था कि कम से कम 3/20 ऑफ द लैंड पे नील उगाना पड़ेगा, जिसे आम लोग बिल्कुल उगाना नहीं चाहते। इसी वजह से क्या हुआ कि फिर जो है और प्रॉब्लम ये थी कि बाद में उगवा लिया, और जब जर्मनी जब यूरोप में इसे लेकर गए तो यूरोप में वो नील बिका नहीं, इंडिगो बिका नहीं, क्योंकि वहां पे आ चुकी थी जर्मन सिंथेटिक डाई, और जर्मन सिंथेटिक डाई की क्वालिटी बहुत बेटर थी। तो फिर इन यूरोपियन ठेकेदारों को नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में कंपनसेशन मांगना शुरू किया ठीक है। भारत में जो किसान थे उनसे उन्होंने इलीगल रेंट और टैक्स मांगना शुरू किया, इससे जो है प्रॉब्लम बढ़ी। अब गांधी जी बीच में आए और उन्होंने कहा आप इलीगल टैक्स और रेंट जो भी आपसे फालतू मांगा जा रहा है वो मत दीजिए, और यहां पर गांधी जी उनकी आवाज बने ठीक है। तो ये था किस्सा, और ये 1917 का है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, नॉन कोऑपरेशन तो 1920 से 22 तक चला था है ना, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट तो गलत ही है ना, तो नॉट करेक्ट ही तो पूछा है, तो 3 ओनली इज नॉट करेक्ट, बाकी दोनों ठीक है। आखिरी सवाल पे आते, आखिरी सवाल, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स, एक मिनट, इस सवाल को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं कि कंसीडर दी स्टेटमेंट्स एंड आंसर अकॉर्डिंगली, विच नहीं, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स एंड आंसर अकॉर्डिंगली। पहली स्टेटमेंट क्या है एक बार देख लेना, यक्षगाना इज द थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका, यक्षगाना कर्नाटका की एक थिएटर फॉर्म है। दूसरा, कटील दुर्गम परेश्वर एंड कटील मेला आर डांस स्टाइल्स रिलेटेड टू यक्षगाना ठीक है, तो ये यक्षगाना से जुड़े हुए डांस स्टाइल्स हैं। तीसरा, इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग मड्डलम एंड चक्रताला इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसको मड्डलम और चक्रताला इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो है वो परफॉर्म किया जाता है ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर, इसका आंसर है सी, 1 and 3 आर करेक्ट ठीक है। तो 1 and 3 इसमें सही है, 1 and 3 इसमें सही है। कैसे 1 and 3 सही है ये देख लेते हैं एक बार। देखो ये है न्यूज द हिंदू में छपी हुई, इस न्यूज में था कि एक थिएटर ग्रुप है जिसने क्या किया, ये न्यूज क्या थी, ये यक्षगाना एक थिएटरिकल आर्ट फॉर्म है कर्नाटका की, वहां पर
ये क्या है कि ये जब भी ये जो परफॉर्मेंस की जाती है तो ये पूरी रात भर चलती थी आमतौर पे। लेकिन कटियल दुर्गम परेश्वरी एक थिएटर ग्रुप है जिसने ये फैसला किया कि अब वो जो है इसको पूरी रात ना चला के नवंबर के महीने से सिर्फ 2-3 घंटे तक का ही ये प्रोग्राम करेंगे ताकि लोगों की जो रातों की नींद डिस्टर्ब ना हो। इसी वजह से ये चर्चा में है। और यहाँ पे इसी में लिखा हुआ है कि दो इंपॉर्टेंट थिएटर ग्रुप्स हैं जो यक्षगना जो है थिएटर से जुड़े हुए हैं, वो है एक कटील दुर्गम परे दुर्गा परमेश्वरी और दूसरा है कटील मेला। ठीक है, तो ये दो थिएटर ग्रुप्स हैं, ये कोई डांस के स्टाइल्स नहीं है। ठीक है, ये डांस स्टाइल्स नहीं है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1 एंड 3 करेक्ट, यक्षगना कर्नाटका की थिएटर फॉर्म में ठीक है। और एक और पॉइंट ये देखो, ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दर्शाने वाले एक थिएटर फॉर्म है जिसमें पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दिखाया जाता है। ये देखो ये देखो ये देखो कुछ ऐसे। ठीक है, और ये दक्षिण भारत से लोकेटेड है, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे परफॉर्म किया जाता है, मलयालम कन्नड़ दोनों भाषाओं में। और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें चेंडा, मंडलम, जगता, चेंगिला और चक्रताला का इस्तेमाल किया जाता है, और जिन्हें इलथलम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पर? आंसर हुआ कि भाई चक्रताला और मंडलम, हाँ, इसको परफॉर्म करते हुए इनका इस्तेमाल किया जाता है, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स है, सही है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके करंट अफेयर्स, और ये जो पूरा पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा, और ये पीपीटी टर्न पीडीएफ आपको बहुत मदद करेगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जो छोटे मोटे जो मिस्टेक्स हैं ग्रामेटिकल, वो हम ठीक करके दे देंगे आपको पीडीएफ में, डोंट वरी। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और सिविल स्टैप के जो टेलीग्राम चैनल है उसको जो है वो जरूर जो है उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं, हम आपके लिए बहुत सारा मटेरियल, जितना फ्री मटेरियल है सब आपको वहीं पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये वादा करते हैं कि हम आपकी जो तैयारी है उसे एक स्तर ऊपर पहुंचा देंगे, एक स्तर क्या, कई स्तर ऊपर पहुंचा देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन आपकी तरफ से भी हमें कमिटमेंट चाहिए कि आप ट्रू कमिटमेंट देंगे और जो है लगातार इन क्लासेस को फॉलो करेंगे, ये ही एक मूल मंत्र है। अगर आप कुछ क्लासेस फॉलो करके बीच में छोड़ देते हैं तो आपका नुकसान होगा। हम पूरे साल अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, आपको भी उस मेहनत के का जो है वो, अगर आपको उसके उसका जो फ्रूट है वो खाना है, तो आपको भी खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी और इन लेक्चर्स को लगातार फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।